बादाम खुद जो भी है हमारे पास वो हम भूनेंगे, छुहारा हम भूनेंगे नहीं और ना किशमिश भूनेंगे क्योंकि वो कढ़ाई में चिपक जाएगा। छुहारे इसमें डालेंगे अखरोट, ये भून गया। अखरोट डाल दिया और इसको थोड़ा सा लाल होने वक्त भूनते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, इसको पीसेंगे पहले, ये अखरोट हमारा भून गया, इसको निकाल लिया हमने। अब इसमें ये हमारा काजू, काजू भून के तैयार हो गया। ये अब हम इसमें भूनेंगे मखाना, ये काजू भून के तैयार हो गया, अभी हमारा मखाना भुना रहा है। इसमें घी नहीं डालेंगे हम। अब इतने सारे के लिए हम ये एक किलो आटा है ना, एक किलो आटा भुनेंगे। ये हमारा पूरा ड्राई फ्रूट पीस के तैयार हो गया एक भगोना। अभी हम आटा जो भुने हैं ना आधा आधा कर लेंगे, आधी इसमें आधी कढ़ाई। हाय फ्रेंड, कैसे हो? तो आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है तो उसके लिए गर्म चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो गर्म चीज़ें में क्या आजकल क्या खा सकते हैं? अगर वेजिटेरियन है तो, वेजिटेरियन है तो लड्डू बना के चीज़ की ज़रूरत पड़ती है गोंद के लड्डू बनाने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आज मैं गई बाज़ार तो बहुत ठंड पड़ रही थी तो कुछ सामान तो घर में थे मेरे और कुछ सामान मैंने बाज़ार से लिया। तो ये गोंद है 250 ग्राम, ये गोंद लाई, ये सफ़ेद काली मिर्च है, ये छुहाड़ा मैंने काट लिया पहले से ही क्योंकि इसमें टाइम लगता है छुहाड़ा काटने में, और ये गोला है, इसको कद्दूकस कर लेंगे, और ये स्वीट। सारी चीज़ें गरम गरम डालनी चाहिए। अगर कमर उमर में दर्द है घुटनों में तो ये कमर कस, और ये अखरोट है, और ये किशमिश है। मतलब सबकी क्वांटिटी जो होती है 250-250 ग्राम आएगा। ये है बादाम, और उसके लिए ये है काजू, और थोड़ा सा खसखस 100 ग्राम तक डाल दीजिए, और ये इतने क्वांटिटी के लिए 1 किलो गुड़। अगर शुगर है तो कम डाल दें, तो गुड़ शुगर में भी फायदा करता है। उसके लिए हमने 250 ग्राम मखाना लाया, पीस लिया है, इतना बचा है वो दिखा रही, मतलब डाल सकते हो। कैल्शियम के लिए ये फायदा है, मतलब पहले भूनेंगे। ये देसी घी इसके लिए 1/2 किलो बहुत है। आप ज़्यादा घी खा सकते हो तो ज़्यादा 1 किलो डालो, लेकिन 1/2 किलो इतने सामग्री के लिए 1/2 किलो घी बहुत है। तो ये पहले घी में भूनेंगे, उसके बाद ये भून लेंगे क्योंकि ज़्यादा घी इसमें लगता है, इसमें कम घी लगता है। इसके बाद अखरोट भूनेंगे, फिर ये काजू को भून देंगे, फिर ये बादाम को, उसके बाद लास्ट में मखाना, मखाना का इसको पहले कद्दूकस करेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप भी बनाइए। और सर्दी का ही तो मौसम है, गर्मी में कौन खाता है इतना, खाएं या नहीं खाएं। सर्दी इतनी हुई है, मैंने 2 स्वेटर पहन लिए, 2, और ये कान में बहुत ठंडी लग रही है। तो चलिए गाइस, ये गोंद है, गोंद हम भून रहे हैं। ऐसे ऐसे फूल जाते हैं, ये हमने भून के इतना रख लिया। ये हम आपको बता रहे हैं कैसे गोंद भून जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसको गोंद के भून के पीस देना, ये गोंद हमारा भून गया, इसको हम थाली में निकाल लेंगे। ठीक है, ये गोंद कीकड़ का होता है, हमारे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद हम इसमें घी जो बचा है ये
कमरकस है, ये कमरकस है, इसको भूनेंगे। ये ऐसा हो जाता है, ये भी मैं इसी में निकाल दूंगी। जो दूसरा बचा वो भी डाल देंगे। खसखस के बाद हम नारियल, क्योंकि खसखस हमारा बहुत पतला होता है ना, इसलिए नारियल जितना भी उसमें कढ़ाई में लगा रहेगा वो इसमें रहेगा। ऐसे जो, और ये फिर कमरकस, फिर ये जो है पोस्तदाना, फिर उसके बाद नारियल भून लेंगे। जितनी हमारी कढ़ाई में पोस्तदाना लगा रहेगा, बहुत पतला दाना होता है ना, वो हमारा कुछ रहेगा उसी में। ये रेडी हो गया इतना सा, जब तक वो ठंडा, और ये डाल देते हैं लड्डू बनाने के लिए। इसमें पानी ऑलरेडी पहले पड़ा था, ये हमने इकट्ठा इसमें डाल के अब इसको हम मिला लेते हैं, क्योंकि ये नीचे जो घी है ना ये बैठा पड़ा है, तो जो मखाना हमने पीसा है ना उसमें सारा मिक्स कर देंगे, सूंट वगैरह तो आधा आधा कर लेते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और ये अब चाशनी डाल दी, इतनी चाशनी मेरी बहुत है। अब इसको मैं मिला दूंगी, मिलाने के बाद अब इसको लड्डू बांधेंगे। अब ऐसे मिल मिल के ऐसे करके, छोटा बहनों आप अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार जैसा आपको चाहिए मर्जी, बड़ा भी बांध सकते जिस साइज का मर्जी कर सकते। आसानी से बन जाते हैं जब थोड़ा घी रहता है। ये बनके लड्डू हमारा तैयार हो गया है, तो इसका मेजरमेंट हम वीडियो में डाल देंगे। कैसा लगा लड्डू? बाय बाय।